Welcome to our channel Life Shorts. I am Swikriti. I am Anukriti. So we are back with our new video. और आज हम लोग कुछ different करने वाले हैं. Burger तो हम सबको ही पसंद होता है. लेकिन India में दो बहुत ही popular burger chains हैं. वो हैं McDonald's and Burger King. हाँ. तो आज हम उन दोनों ब्रांड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो हम लोग एग्जैक्टली करने ये वाले हैं कि हम दोनों जाएंगे बर्गर किंग में एंड मैकडॉनल्ड्स में और वहाँ के कुछ सिमिलर टाइप के बर्गर्स परचेस करेंगे जो पॉपुलर है, जो पॉपुलर है और उसे कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, अफोर्डेबिलिटी एंड एवरीथिंग. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तो चलिए चलते हैं मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग. सो लेट्स गो. So guys, we are back और हम आ गए हैं अपने बर्गर के साथ. तो ये रहा मैकडी का बर्गर और ये रहा बर्गर किंग का. चलिए देखते हैं. तो ये है मैकडी का महाराजा मैक और ये है बर्गर किंग का वेज बॉपर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले आप आइए, आपको हम क्लोजअप दिखा देते हैं. सबसे पहले हम इसके प्राइसिंग का बात करते हैं. तो फिर ये महाराजा मैक है इंक्लूडिंग टैक्स 169 रुपीस है और ये बर्गर किंग का वेज वॉपर है 129 एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब इसका एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है. हमने इसके अलावा भी कुछ लिया था इसलिए टोटल बिल अलग होगा. टेस्ट के बाद प्राइस की बात हो गई तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबल ज्यादा बर्गर किंग है. हाँ. क्योंकि साइज तो सर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है क्योंकि अराउंड 40 रुपीज जैसा कुछ एक्स्ट्रा है. कोई बात नहीं, गिर गया. अराउंड 40 रुपीस एक्स्ट्रा है लेकिन साइज मेरे ख्याल से ये इसका ही बड़ा. साइज उसका बड़ा. दोनों बैच है. और इसका हाइट है. अब बात करते हैं टेस्ट और फ्लेवर. जस्ट लुक एट दिस, इट इज वेरी ह्यूज. इट इज आल्सो ह्यूज. हटा ये देखिए, ये साइज फॉर माय फॉर कंपैरिजन लुक एट माय हैंड. इसमें दो पैटी है, आलू टिक्की है और इसमें एक है लेकिन वो बड़ा है. हाँ, बट वो बड़ा है और इसमें काफी सारा लेटस, मेयोनीज एंड बहुत सारे लेटस है. इसमें भी है, ऑलिव भी है, ऑलिव भी है, सॉस बहुत सारा है. ओके, सो इट इज हैविंग वेरी लेस अनियन, mayonnaise I guess and lettuce. Mayonnaise lettuce जो कि गिर रहा है. और ये रहा, इसमें काफी कुछ है वैसे वेजिटेबल्स के हिसाब से, इसमें ज्यादा है, क्वांटिटी भी है. तो चलिए देखते हैं अब टेस्ट कैसा है दोनों का. ओके चलो लेट्स बाइट. 1 2 3 ये एक बार में नहीं खा सकते हैं. It also has pickle. It's very spicy, actually. Just look at it. मैं एक बार में कितना bite कर पाई. No difference. मेरे तक. One more try. It tastes really nice, huh? We have folded.
इट इज ऑल्सो वेरी नाइस, इट टेस्ट वेरी नाइस. अब स्पाइसी है थोड़ा, ये स्पाइसी नहीं है, थोड़ा स्पाइसी है. उसके बाद ही हम कंपेयर कर पाएंगे. मुझे तो वो काफ़ी स्पाइसी लगा, मेरा स्पाइस टॉलरेंस थोड़ा कम है इसलिए भी मुझे लग सकता है. कंपेयर करते हैं. ओह माय गॉड, दिस इज ह्यूज. दिस इज मतलब कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट टू ईट है वो. हाँ, नहीं ये लंबा है वो. टावर टावरिंग है. हाँ, हाइट है उसमें काफ़ी. ओके सो you can have full bite of it, so definitely that is spicy as compared to this. इसमें बहुत सारी चीज डाली गई है, जैसे कि चीज भी है इसमें, कॉर्न है. फ्लेवर बहुत ज्यादा इंटेंस उसका लगा मुझे, ज्यादा थोड़ा लाइट फ्लेवर है इसका. बट मुझे किसको ज्यादा स्कोर दें? आई विल गिव दिस 4 out of 5 एंड आई विल गिव दैट 3.5 or 3 out of 5 क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा है. I will give 5 on 5 for that. It's very tasty and a little bit spicy. क्योंकि मैं 1 point से इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा मैंने इससे भी अच्छा खा लिया तो. हाँ, लेकिन फिर भी अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आई गेस टेस्ट वाइज दैट इज बेटर. मीन्स उसका टेस्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट है. इसका थोड़ा लाइटर साइड पे टेस्ट, बट अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा. दोनों काफ़ी अच्छे हैं. नहीं, मुझे ये भी अच्छा लगा लेकिन इसमें चीज़ है मेनली. बताओ तो मैं, चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, चीज़ एंड बटर फ्लैट बहुत सारा है और ये अच्छा. थोड़ा लाइट है, पिकल. हाँ, बिकल सब कुछ है इसमें. लेकिन वैसे मैगडी का वो आलू टिक्की जो आता है. हाँ, वो उसका शायद बड़ा. हाँ, सीरियसली. हाँ, ये सही कंपैरिजन. मैगडी का जो आलू टिक्की होता है, कंपैरिजन आलू टिक्की बर्गर वो जो कि सिंपल वाला होता है, मैक्सिकन शायद बोलो तो, ये वाला उसी का थोड़ा ह्यूज साइज है. But definitely that is more easy to eat. मतलब ये थोड़ा सा messy हो जाए. It is having lots of corn. मतलब मैं तो bite नहीं ले पाई थी, I guess. नहीं? Okay, let me try. This is also good यार. लेकिन फिर भी for me, according to taste, McD's Maharaja Mac is better. Okay. But according to price, let me eat. Let me finish. Okay. Okay, so let's compare the bun. I guess ये ज़्यादा soft है. हाँ, but हाँ ये ज़्यादा soft है bun. लेकिन मुझे ज़्यादा better लग रहा है ये. नहीं, मुझे तो ये ज़्यादा better लग रहा है. हाँ, नहीं soft ज़्यादा. नहीं, ये ज़्यादा ये थोड़ा ज़्यादा fresh भी feel हो रहा है. Seriously, क्योंकि ये taste wise it is quite. बट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आई गेस मैकडी मैक महाराजा मैक मीन्स इसका टेस्ट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है. ये थोड़े से लाइटर साइड स्पाइसी है बट अकॉर्डिंग टू मी बोथ ऑफ अस एक्चुअली टेस्ट वाइज मैकडी विंस एंड अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबिलिटी बर्गर किंग इज इट इज दिस बर्गर इज 129 रुपीस एंड दिस इज ऑफ 169. सो अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबिलिटी दिस इज लेस. दिस इज बेटर. दिस इज बेटर एंड अकॉर्डिंग टू बन क्वालिटी ऑल्सो बर्गर किंग इज बेटर. So in all aspects, Burger King is better. But taste wise, the main hero of everything is taste. So taste wise, I guess this is better. हाँ. So I think Mac Maharaja. हम दोनों जगह पे जा सकते हैं. हाँ, दोनों जा सकते हैं. हम दोनों try कर सकते हैं. Means आपको जो मन हो लगा means अगर आपको थोड़ा सा कम spicy खाना है तो Burger King is better. हाँ, this is better. Burger King is better. But अगर आपको है कि it's okay थोड़ा spicy खाना means हम लोग बोल रहे it is not very spicy. It is not spicy that much. हमें थोड़ा कम spicy खाते हैं. हमें थोड़ा कम spicy खाते हैं इसलिए हमें लग रहा है like मुझे तो गले में लग रहा है. नहीं, इतना भी नहीं है. इतना कुछ नहीं है. तो बस जो सॉस आ रहा है वो थोड़ा सा स्पाइसी है और कुछ नहीं. कंपैरेटिवली इट इज नॉट स्पाइसी एट ऑल फॉर इंडियन पैलेट. बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है वो. हां, मुझे
मुझे लग रहा है गले में. एनीवेज तो फिर अब देखिए, आपको प्राइस कम चाहिए या फिर टेस्ट चाहिए या फिर क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए या बन क्वालिटी चाहिए. बट फॉर अस बोथ ऑफ देम इज बोथ ऑफ देम रॉक्स. और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों का जो आउटलेट है वो हमारे घर से काफी पास है. लाइक मैगडी जो है वो हमारे घर से अराउंड 3 किलोमीटर लेस देन 3 एक्चुअली 3 किलोमीटर अराउंड 4 लेस देन 4. So it is less than 3 km away from her house and this is less than 4 km. Haan. So hum ek jayenge, ek burger iska khayenge, ek burger iska khayenge. Oh, lekin phir bhi agar for me the winner is this. Yeah, for me too. Kyunki taste is the king jo ki burger ka hai. King. So but I'm loving it. Yahan pe likha I am loving it. Seriously, I'm also loving it. सो गाइज, हमारा ब्रांड कंपैरिजन कंप्लीट हो गया है. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि हम ऐसा और वीडियो करें या नहीं. तो अगर आप चाहते हैं कि हम और फ्यूचर में भी और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को कंपेयर करें और ये ब्रांड कंपैरिजन सीरीज काइंड ऑफ बनाए तो आप जरूर कमेंट करें नीचे कि हम करें, हमें पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है कि. और ये भी कमेंट करें कि अकॉर्डिंग टू यू विच इज बेटर, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग. So that was it for today's video. तो अब टाइम हो गया है आज के क्वेश्चन टाइम का. हमने लास्ट टाइम आपसे पूछा था कि what is the scientific name of human being? तो उसका सही आंसर है the scientific name of human being is homo sapiens. तो आप में से बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत लोगों ने किया था, सभी सही किया था. हमने बोला था कि इजी क्वेश्चन पूछ रहे इस बार, तो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया. तो हमने उनमें से रैंडमली किसी 3 को सिलेक्ट किया है आज के विनर्स के लिए. तो आज के शाउट आउट के फर्स्ट विनर का नाम है तिशा साइनी. आज के शाउट आउट के सेकंड विनर का नाम है दीक्षा. और आज के शाउट आउट के थर्ड विनर का नाम है गगन धीमन. सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल 3 ऑफ यू जिन्होंने आंसर दिया बट हमने उनका नाम नहीं लिया. डोंट बी डिसहार्टेड, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आप उसका नाम उसका आंसर दीजिए, हो सकता है आपका नाम आ जाए. हाँ. तो अब टाइम हो गया आज के क्वेश्चन टाइम क्वेश्चन का. तो आज का क्वेश्चन है When was Burger King founded? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हैशटैग क्वेश्चन टाइम के साथ जरूर रिप्लाई करें. अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम शॉर्ट में आए तो इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में हैशटैग क्वेश्चन टाइम के साथ दीजिए. और हम दोनों को ही हमारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो कीजिए, यहाँ हमारी आईडीज आपको दिखाई दे रही होंगी. सो वी होप कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा. पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये ब्रांड कंपैरिजन टाइप ऑफ वीडियोस और देखना चाहते हैं या नहीं. और अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज सजेस्ट सम ब्रांड्स जिसका हम कंपैरिजन करें, कि इन दोनों का कंपेयर करें, तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे. हाँ. और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड एवरी टाइम वी पोस्ट अ न्यू वीडियो. फ्री है सब्सक्रिप्शन, कर दो सब्सक्राइब. तो अब हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते.